अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके साथ ढाबे की एक बहुत ही सीक्रेट रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो स्वीट डिश है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इससे पहले शायद ही इसे बनाया हो, तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगे तो वापस से बनाइएगा। तो देखें किस तरह से बनता है ये, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को निकाल कर अलग रख दें। हमें कुछ ड्राई फ्रूट लेने हैं। ड्राई फ्रूट में हमें लेना है बादाम और काजू, पिस्ते, किशमिश, जितनी ज़रूरत हो उतना उसे लंबाई में पतला पतला काट लें और इसे साइड में रख दें। इसके साथ ही हम लेंगे टूटी फ्रूटी और इस तरह से दो कलर में लें और इसे भी साइड में रख दें। इसके साथ ही हमें एक बड़े से अनार की ज़रूरत है, तो एक बड़ा वाला अनार लें, उसे छीलकर दाने निकाल कर इसे अलग रख दें। इसके साथ ही हमें मिक्स फ्रूट जैम चाहिए, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसे साइड में रख दें। और इसके साथ ही हमें लेना है कस्टर्ड पाउडर, तो हमने लिया है 4.5 चम्मच यानी कि 4 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून। इसे हमने मिक्स कर लेना है पानी में अच्छी तरह से। याद रहे कि जो आप कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करेंगे वो वनीला फ्लेवर का होना चाहिए, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। हमने ये डेज़र्ट 12 ब्रेड से बनाए हैं, तो आपको जितने बनाना है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। अब हम 1/2 कप शक्कर लेंगे और उसे भी 1/2 कप पानी में मिक्स कर लेंगे। ये ऑर्गेनिक शक्कर है इसलिए आपको इसका कलर थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा होगा। इसे हमने मिक्स करके साइड में रख देना है। हमने 1 लीटर दूध लेना है, हमने अमूल दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी का भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसे हमने बॉईल होने के लिए रख देना है। जब दूध बॉईल हो जाए तो आंच को स्लो कर दें। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे, जो हमने पानी में मिक्स करके रखा था ना, उसे ऐड कर दें। और कस्टर्ड पाउडर को ऐड करने से पहले अच्छी तरह से वापस से मिक्स कर लें और उसके बाद ही ऐड करें। जब हम कस्टर्ड पाउडर को दूध में ऐड करेंगे तो हम दूसरे हाथ से चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो गांठें हैं वो ना पड़े, और इसी तरह इसे चम्मच चलाते हुए मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये दूध जो है बॉयल ना हो जाए। अब हमने इसमें शक्कर भी ऐड कर देनी है, तो जो हमने पानी में भिगो के रखी थी शक्कर को वो भी ऐड कर दें और इसी तरह से मिक्स करते रहें इसे। अब इसे बॉईल होने दें। जब ये बॉईल हो जाए तो इसे थोड़ा देर स्लो आंच पर रहने दें ताकि ये गाढ़ा हो जाए। तो इसे स्लो पर रखने से पहले आप इसमें फूड कलर ऐड कर दें। हमें इसमें येलो कलर ऐड करना है 1/4 टीस्पून, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके बाद हम इसे 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल स्लो आंच पर ही पकाएंगे। बीच बीच में चम्मच भी चला दें। अब इसे 4 से 5 मिनट हो गए हैं स्लो आंच पर पकाते हुए, तो अब गैस बंद कर दें और इसे ठंडा होने दें। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज में रख दें थोड़ा और ज़्यादा ठंडा होने के लिए। और जब हमें इसे सर्व करना होगा तो हम इसे एक कटोरे में निकाल देंगे। ये ठंडा हो चुका है, तो सबसे पहले हम ब्रेड पर जैम लगा देंगे एक तरफ से। सिर्फ आपको एक तरफ ही लगाना है इसे, और इस तरह से लगाकर साइड में रख दें। इसी तरह आपको सारे ब्रेड पे जैम लगा देना है और इन्हें साइड में रख देना है। और इसके बाद हमें इसे इस तरह से सर्व करना है। इस तरह से आप प्लेट ले लें, अगर आपके पास गोल वाली प्लेट है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमने ब्रेड पर जैम लगा कर रखा था उसे इस तरह से डिप कर देंगे इसमें कस्टर्ड में। हमने हाथों को अच्छी तरह से धो लिया था तो आप माइंड ना करें। और इसके बाद इसे इस तरह से प्लेट में निकाल देंगे। याद रहे कि हमने एक ही तरफ जैम लगाया है। इसी तरह से सारी प्लेटों में आप निकाल दें। और इसके बाद इस पर थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दें ऊपर से। और जो हमने मेवे काट कर रखे थे उसे ऐड कर दें थोड़ा थोड़ा करके। और इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड कर दें, रेड एंड ग्रीन कलर की हमने इस्तेमाल की है। और इस पर अनार ऐड कर दें ऊपर से। और बस इसे सर्व कर दें ठंडा ठंडा।
और आप चाहें तो इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं इसे एक ट्रे में निकाल कर। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और इसे जब भी बनाइएगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही हटके बनेगा ये, आपको इसका जो टेस्ट है वो बहुत पसंद आएगा। तो ट्राई करें और अच्छा लगे तो वापस से बनाएं। और ऐसे ही ओरिजिनल और बेहतरीन रेसिपीज़ हम आपके साथ और भी शेयर करते जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये फ्री है। दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।